हेलो। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हमने जो स्टार्ट करते हैं ना, कल हमने जो किया था, कल हमने जो डिवीजन देखा, क्लासिफिकेशन देखा था, इसमें आया था एक डेसिमल नंबर और एक आया था ए डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ठीक है ना। कल हमने ये देखा था, ये दोनों किसका पार्ट था, ये दोनों का था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक था यहाँ पे इमेजिनरी नंबर। आप लोग को फिजिकल हो रहा नहीं हो रहा होगा तो? ओके रोहित, देखो हमने जो कल क्लासिफिकेशन देखा था वहां पे क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दूसरा था हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ओके, ये दो हमने देखा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। ओके, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन सा था, एक था हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, आप लोगों को मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को? वॉइस आ रहा, जस्ट रिप्लाई करना कि वॉइस आ रहा कि नहीं आ रहा, वीडियो आ रहा कि नहीं आ रहा। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ से एक तो हमारा रेशनल नंबर एंड दूसरा क्या है हमारा ई रेशनल नंबर। ओके, देन रेशनल नंबर जो है ना ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। चलो सुनूंगा, कल मैंने दो बताया था, एक आज बता देता हूँ, थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या था हमारा, इंटीजर्स। इंटीजर्स ओके, इंटीजर्स क्या थे, दो टाइप के थे, एक था हमारा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा था हमारा निगेटिव इंटीजर। ये मैंने बता दिया था आप लोगों को नंबर लाइन। सेकेंड में आ जाएगा हमारा डेसिमल। ओके डेसिमल्स, एंड देन थर्ड में आ जाएगा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस ये मैंने कल यहां तक बताया था, इसको मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखो डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल जो होते हैं ना, ये जो भी क्लासिफाइड होते हैं डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर। ध्यान से देख लें इसको, इसको समझ लो अच्छे से, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग फिर मैं बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, देन अगेन नॉन टर्मिनेटिंग इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, एक आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये हमारा डेसिमल्स का क्लासिफिकेशन। अब देखो ये जो टर्मिनेटिंग है ना, ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी हमारा रेशनल नंबर है, मगर जो नॉन टर्मिनेटिंग का एक पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हमारा क्या है, ई रेशनल नंबर। इसको ध्यान रखना, ई रेशनल नंबर। जब हम किसी चीज को भी डिवाइड करते हैं और हमारा अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, में अगर वो पूछता है कि वो रेशनल है इरेशनल है, तो उसको क्या बोलेगा, इरेशनल नंबर। देखो कल मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, पी बाई क्यू का फॉर्म में आता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे कि मैंने बताया था पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, ये भी हमारा क्या है, पी बाई क्यू का फॉर्म है, बट ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर। जबकि रेशनल नंबर मैंने क्या बोला है कि पी बाई क्यू का फॉर्म है, ये है पी वाई क्यू का फॉर्म है, मगर ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, लाइक मैं करके देखता हूँ, 22 को 7 से, 22 को 7 से करो डिवाइड। ओके, तो 7 थ्री जा 21, फिर 1 आ गया, देन पॉइंट, देन 0। ओके, देन 7 1 जा 7, देन 3। ओके, देन अगेन 0, 7 4 जा 28, देन अगेन 2, फिर क्या होगा, फिर 0 आ जाएगा पॉइंट के वजह से, 7 2 जा 14, फिर 6 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर 7 8 जा 56,
फोर ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ये रिपीट भी नहीं हो रहा नंबर और ये क्या आगे जाते जाएगा। डेफिनेटली दिस नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाई को हमेशा हम लोग ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर। ओके पाई इज व्हाट, ई रेशनल नंबर। एंड देखो टर्मिनेटिंग वो है जो डिवाइड होने के बाद खत्म हो, लाइक 9 को 2 से डिवाइड कर, 2 से क्या मैंने 2 4 जा 8 रिमेनिंग 1 आया, फिर पॉइंट यहां पे 0 आ गया, 2 5 जा 10 ये कैंसिल। देखो 4.5 यहां पे खत्म हो गया, तो ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जो हम लोग का खत्म नहीं हो रहा, जैसे कि 22/7 भी ले लिया, 22/7 अब ये मेरा खत्म ही नहीं होगा, अगर करते रहो आप करते रहो करते जाओ तो ये क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग कौन सा होता है, नॉन रिपीटिंग मान के चलो जैसे कि 2.3333 ये 2 पॉइंट, इसके बाद 333 आते रहेंगे, ये मतलब 3 क्या है पॉइंट के बाद रिपीट होगा, तो ये वाला क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसा भी हो सकता है आपका 2.103103103103 That means, ये भी क्या है 103 103 103 103, ये भी हमारा रिपीट हो रहा है, that means, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अच्छा एक चीज और आप लोगों को पता होगा, जो नंबर रिपीट होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2.333 मान लो कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, क्या नंबर हो रहा है रिपीट 3, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं मैथ्स में 2.3, ये जो रिपीट होता है उसके ऊपर ये देखो ये लाइन दिया ऊपर, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं बार। तो कभी भी किसी नंबर का ऊपर ना बार दिया हो ना, इसका मतलब समझ जाना है ये नंबर क्या है रिपीट हो रहा है, तो हमको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में 2.3 बार, या ऐसे कर सकते हैं 2.103 103 103। अब देखना पहले इसमें रिपीट कौन सा होगा, रिपीट क्या हो रहा है 103 103, इसको हम कैसे लिखेगा 2.103 बार। जब ये बार आ गया ना इसका मतलब क्या है ये मेरा रिपीट हो रहा है, गॉट इट, इसको बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है अब आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो मैंने 22/7 का बताया था आपको एग्जांपल डिवाइड करके, तो वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारा डेसिमल्स का चार पॉइंट है। अब नेक्स्ट आ जाओ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस भी क्या होते हैं तीन थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, अच्छा समझ लो प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके नेक्स्ट में आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है तो फ्रैक्शन कितना टाइप में डिवाइड है, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है देखो मान के चलो 1/8। ठीक है अब ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे बोलते हैं, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन उसको बोलते हैं ना जिसका एक क्या हो न्यूमरेटर होता है, एक होता है न्यूमरेटर एंड नीचे लाओ क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, जो पी वाई क्यू का फॉर्म है तो होगा एक प्लस, अब जब पी वाई क्यू का फॉर्म है मतलब उसमें क्या है एक न्यूमरेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाता है और नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं। जब आपका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, समझो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, जब आपका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो तब उसको हम लोग क्या बोलेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके जैसे कि 1/8 2/5 ये क्या है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना 3/6 3/6 ये मेरा क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये सब में न्यूमरेटर जो है ना लेस होता है किससे डिनोमिनेटर से, तो जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज नेक्स्ट में आ जाओ आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जांपल ले लो 5/3, यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर ज्यादा है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से देन दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल मान लो 5/3 8/2 ये सब क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, ठीक है ना दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट में आ जाओ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन मान के चलो हम लोग 9 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है 2 से
टू फोर जा एट, रिमाइंडर क्या है वन। अब इसमें देखना है कि हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो हमेशा याद रखो ये जो आया आंसर इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोसेंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन ई, ये हमारा क्या है कोसेंट। गॉट इट, दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट कौन, मान लो नाइन को मैंने डिवाइड किया टू से, टू फोर जा एट, रिमाइंडर इज वन, ठीक है। अब यहाँ पे फोर जो है ना ये मेरा क्या है कोसेंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, दिखाई दे रहा आप लोगों को कोसेंट, ओके। देन दिस वन जो जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर को डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलेगा हम लोग डिविडेंड, मार्कर नाउ जिसको हम लोग डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलेगा हम लोग डिविडेंड, ठीक है। जिस नंबर को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। देन जो बचा लास्ट में जो बचा है दैट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर, ओके। एंड दिस वन इज दैट इज डिविजन, क्या हमारा डिविजन, जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज डिविजन, जिसको डिवाइड करता है वो डिविडेंड, जो निकलता है आंसर दैट इज कोसेंट, एंड देन ये रिमाइंडर, ओके। तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेगा, देखो एक्सप्रेस कैसे करता है मिक्स फ्रैक्शन में, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू, ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा डिविजर होता है डी आई डिविजर इनटू कोसेंट, डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, देखो क्या है इसमें हम लोग कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बनाएगा, तो डिविजन इज इक्वल टू क्या हो गया डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर को प्लस करता है, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हमारा कैसे आ जाएगा डिविजर, डिविजर क्या है हमारा टू, जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते, ठीक है, डिविजर। देन किसको मल्टीप्लाई करें कोसेंट को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ टू और नाइन का, तो यहाँ पे कोसेंट क्या है फोर, तो टू इंटू फोर एट, और रिमाइंडर को क्या करो प्लस कर दो, टू फोर जो एट, एट प्लस वन नाइन, नाइन बाई टू, नाइन बाई टू हम लोग इसको डिवाइड किया था नाइन बाई टू, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे ये वाला जो फॉर्म है ये फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन, नॉट इट, समझ में आ गया आप लोग को, ये खाली याद रखना ये फॉर्मूला भी हम लोग का बाद में एलसीएम एचसीएल करेगा उसमें भी ये फॉर्मूला काम आएगा, नॉट इट। क्या होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसको किस फॉर्म में लिखेगा, ये एग्जांपल मैंने दे दिया है नाइन को टू से डिवाइड किया, तो दिस इज डिविजर रिमाइंडर डिविडेंड कोसेंट, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग दिस वन, टू इंटू फोर, टू फोर जो एट, एट प्लस वन नाइन, नाइन बाई टू, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन में इतना ही है जो हम लोग का काम कर रहा है, ठीक है। Now, अब आ जाओ डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी इसको मैं लिख देता हूं, लिख के फिर आपको अंडरस्टैंडिंग समझा देता हूँ, देखो फर्स्ट में आ जाओ नंबर वन में डिविजिबिलिटी बाय टू, ये आप अच्छे से याद कर लेना डिविजिबिलिटी बाय टू। अब कौन सा नंबर हम लोग का डिविजिबिलिटी होगा टू से, तो हम लोग को पता है जिस नंबर का लास्ट में जीरो हो या आइदर इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर, ठीक है, कोई भी इवन नंबर हो या जीरो हो तो वो क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल किससे होगा टू से, व्हाट इट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेगा, व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज आइदर जीरो और इवन देन द नंबर इज divisible by 2,
डिविजिबल बाय टू। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कोई भी जैसे 10 लास्ट नंबर क्या है, 0, 268 लास्ट नंबर इज इवन, दैट मीन ये भी डिविजिबल बाय 2 होगा, 492 लास्ट डिजिट इज व्हाट, इवन नंबर, तो ये भी क्या होगा हमारा डिविजिबल किससे होगा, 2 से होगा। समझ में आया? वेट, आप लोग विजिबल हो रहा है? हेलो, इंक इज विजिबल और नॉट? नहीं हो रहा, जस्ट वेट ना। माउंटेन पर ओके, चलो मैं करके देखता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय थ्री। अब हम लोग थ्री से डिविजिबिलिटी देखेंगे। अब देख, जब ना किसी भी एक नंबर को ले लो, जैसे एग्जांपल ले लो 1 2, पहले समझ लो फिर मैं लिखा देता हूँ, 1 2 3 3, ठीक है ना, ये क्या हो गया 1 2 3 3। नाउ इसमें देखें, ये चार नंबर, ये चार नंबर को जब हम लोग ये चार डिजिट का सम अगर डिविजिबल होता है 3 से, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से। लाइक 339, 9 और 336, 628, 8 + 1 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट मीन ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। गॉट इट? जितना भी नंबर हो, अगर मान लो 5 6 7 8 9 2 3, ये नंबर है, तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि ये जो नंबर सब है ना, ये सब क्या है, ये सब का सम, सब डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये सब का सम 3 से डिविजिबल होता है, दैट मीन ये होल नंबर डिविजिबल किससे हो जाएगा, 3 से होगा। गॉट इट? तो इसको मैं लिख देता हूँ, व्हेन द सम, जस्ट वेट, हाँ मैं थोड़ा इंक वो कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। Just give me 2 minutes. ओके नाउ सर, तो इसमें आप लिख लो, व्हेन द सम ऑफ ए, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन the number is divisible by 3. Okay, जब example जैसे मान को चलो, मैंने क्या हुआ था example में 1 2 3 3, then 1 5 6, ठीक है, 1 5 6 यार,
अभी इन तीनों का प्लस करो तो हमारा क्या होता है, नाइन, नाइन इज डिविजिबल बाई थ्री। जब इसको करता हूं मैं, इसका होता है प्लस 12, 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री, विच मीन्स दिस ये नंबर लो थ्री से इजली डिवाइड हो सकता है। ओके हो गया। ओके नाउ डिविजिबल बाई फोर, फोर में देखो यहाँ पे क्या लिखा, कोई भी नंबर ले लो, एग्जाम्पल ले लो आपको 6, 4, 2, 8। अब समझो हाँ, फोर से डिविजिबल, 6, 4, 2, 8। इसका जब भी फोर से अगर डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम लोग को क्या देखना है, कोई भी नंबर दिया हो उसका लास्ट टू डिजिट, अगर उसका लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय फोर होता है, दैट मीन इट फोर सम इज डिविजिबल बाय फोर। ओके एग्जांपल 6, 4, 2, 8। या फोर से एक और चीज है कि जिसका लास्ट में डबल जीरो, कोई भी नंबर हो जिसका लास्ट में दो जीरो, एक तो ये समझ में आ गया हम लोग को कि कोई भी नंबर लाइक 5, 6, 9, 3, 6। अब ये देखना है हमको, ये नंबर है मान लो 5, 6, 9, 3, 6, इसका लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट इज 36 एंड 36 इज डिविजिबल बाय 4, 4, 9, 36, दैट मीन दिस होल नंबर आर डिविजिबल बाय 4, ऐसे काउंट करते हैं। ओके या एक अगर ऐसे कर लो 5, 6, 9, 8, 4, 0, 0, अगर लास्ट में टू डिजिट अगर जीरो है तो ये भी नंबर डिविजिबल बाय किससे हो जाएगा, 4 से होगा। ओके चलो इसको लिख देता हूं मैं, व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट टू डिजिट, टू डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल by 4, then the number is divisible by 4. एक तो ये हो गया हमारा कि जब when the number made by last two digit of a number is divisible by 4, जब last दो digit अगर 4 से divide होता है then the number is divisible by 4. Second में क्या है, when the number having two or more zeros, when the number having two or more zeros, then the number is divisible by 4. Got it? जब number का last में टू और उससे ज्यादा जीरो तब वो नंबर भी डिविजिबल बाय फोर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, फाइव। तो फाइव से हमको पता है कि लास्ट नंबर आपका जीरो या फाइव होना चाहिए, तो जिसका लास्ट नंबर जीरो एंड फाइव है वो नंबर किससे डिवाइड होता है, हम लोग का फाइव से डिवाइड होना ही है। जैसे कि मान लो 5, 2, 5 हो गया, 5, 2, 5, 0 हो गया, ये सब नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 5 और 0 होना चाहिए। ओके तो इसको मैं लिख देता हूं, इसको लिख लो, नंबर हैविंग 0 एंड 0 और 5 एट द एंड आर डिविजिबल बाय। ओके जो नंबर का लास्ट में जीरो और फाइव हो वो नंबर डिविजिबल किससे होता है, फाइव से। ओके दिस आर डिविजिबल बाय फाइव। नेक्स्ट में आ जाओ, सिक्स से डिविजिबिलिटी बाय सिक्स। सिक्स भी इजी, ऐसा नंबर जो टू से और थ्री से, टू एंड थ्री ये दोनों से डिविजिबल हो तो वैसा वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल किससे होता है, सिक्स से होता है। याद रखना कि जो नंबर टू और थ्री से डिविजिबल हो वो नंबर क्या होगा, सिक्स से डिवाइड होगा। टू से नंबर कौन कौन सा डिविजिबल होगा, जिसका लास्ट में जीरो और इवन नंबर कोई भी हो, 2, 4, 6 वो लोग टू से डिवाइड होगा। थ्री से किसको बोला था मैंने कि जो भी डिजिट दिया वो सबका सम अगर डिविजिबल बाय थ्री से होता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, थ्री से होगा। ठीक है ना? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, व्हेन ए
नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ थ्री एंड टू, थ्री एंड टू, देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय ओके व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय बाय बोथ थ्री एंड टू देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स. ओके एग्जांपल ले लो. एग्जांपल में 36, 720, देन 1440 ये सब आ जाएगा. देखो इसमें क्या है, ये टू से भी डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट नंबर क्या है, इवन नंबर होगा. एंड थ्री से भी होगा क्योंकि इन दोनों का प्लस कितना है, नाइन है. सिक्स प्लस थ्री नाइन, तो दोनों से डिवाइड होगा. हाँ और नहीं, एंड टू एंड व्हाट थ्री, हाँ ये दोनों से 720 दे दो. 720 लास्ट इज जीरो, दैट मीन इट इज डिविजिबल बाय टू. ठीक है, कल का क्लास हो गया था, ये अभी शुरू कर रहा है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है इसका. ठीक है ना, कल हमने बेसिक थोड़ा किया था, आज थोड़ा उससे आगे कर रहा, आज डिविजिबिलिटी रूल करा रहा. नेक्स्ट देखो 720. अब ये 720 क्या है, टू से भी डिविजिबल हो रहा प्लस ये सबको अगर सम करता है तो सम कितना होगा, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस जीरो नाइन, मीन्स नाइन इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री, मतलब ये किससे हो रहा है, थ्री से भी. ओके नेक्स्ट में आ जाओ 1440. अगर इसका लास्ट नंबर क्या है, जीरो, दैट मीन ये टू से तो डिवाइड होना ही होना है. प्लस इस सबका प्लस करके देखता है, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस जीरो नाइन, दैट मीन इसका डिवाइड भी नाइन, नाइन इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री, दैट मीन ये भी टू से भी हो रहा है, थ्री से भी हो रहा है. इसका मतलब क्या है, ये नंबर सिक्स से डिविजिबल हो रहा है. आया समझ में, कि जो नंबर जिस जो टू और थ्री दोनों से डिविजिबल हो वो नंबर क्या है, आपका सिक्स से डिविजिबल हो. गॉट इट. चलो नेक्स्ट अब आ जाओ सेवन. सेवन पता समझ लो, सेवन थोड़ा अलग है. सेवन में क्या है, मान के चलो एक नंबर ले लो 658, 658. ओके इसमें क्या बोला है, 658 में जो लास्ट यूनिट डिजिट है, समझो इसका जो लास्ट 658 है ना, इसका लास्ट जो यूनिट डिजिट है इसका ट्वाइस. ठीक है, लास्ट लास्ट जो डिजिट है उसका ट्वाइस. अगर वो 65 जैसे कि इसका ट्वाइस करते हैं हम लोग, तो एट इन दोनों का इसका ट्वाइस, अगर इन दोनों से माइनस करने के बाद अगर वो नंबर सेवन से डिविजिबल होता है तो वो सेवन सेवन से डिवाइड हो जाएगा. जैसे कि एग्जांपल मान लो 65, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में कौन है, एट है. समझो जो बचा है, सिर्फ यूनिट डिजिट का लेना है ट्वाइस, जो बचा डिजिट उसको ऐसे लेना है. तो 65 माइनस ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट इज इक्वल टू कितना होगा, 65 माइनस 16. जब हम लोग इसको करता है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 49 हो जाता है. 49 इज डिविजिबल बाय 6 और 7, सॉरी 49 इज डिविजिबल बाय 7. तो 7 से डिविजिबल होगा ट्वाइस द यूनिट डिजिट, डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द यूनिट डिजिट एंड द रिमेनिंग डिजिट, ठीक है ना, इज डिविजिबल बाय इफ 7 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7. ओके समझ में आया. एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग, 5 8 7. अगर इसको लेता है हम लोग तो ये शायद वो क्या देख लेता है, 58 माइनस अभी ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 7, देन 2 इनटू 7 इसका देख लेते हैं इसका कितना निकलता है, 58 माइनस 7 टू जा 14. अगर इन दोनों को माइनस करेगा तो 8 माइनस 4 4, देन 5 माइनस 1 4, 44. अब देखो ये 44 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब क्या है, 587 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. ओके जिसका माइनस करने के बाद रिमेनिंग डिजिट से माइनस करेगा, किसका जो यूनिट डिजिट का ट्वाइस को, अगर उसका माइनस अगर हमारा 7 का मल्टीप्लिकेशन में आता है तो वो नंबर, ये पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 7. आया समझ में. अब हमने इसको करके देखा है 587, दैट मीन रिमेनिंग डिजिट क्या है 58, यूनिट डिजिट का ट्वाइस, दैट मीन 2 इनटू 7, इन दोनों को डिफरेंस निकाला है तो मेरा कितना निकला है 44. 44 7 1 जा 7 में कहीं नहीं आता 7 का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन दिस नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 7. आया समझ में. ओके चलो इसको भी लिख लो, व्हेन ए नंबर इज
डिविजिबल बाय 7 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर बाय अदर डिजिट formed by other digits is either 0 or a multiple of 7. ओके इसमें एक चीज और है यहाँ पे क्या हो रहा है देखो जब दोनों का डिफरेंस जो रिमेनिंग डिजिट है टू डिजिट और जो यूनिक डिजिट का ट्वाइस इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 भी आता है तो वो नंबर भी क्या है 7 से डिविजिबल है. एक तो है मल्टीपल ऑफ 7 वो नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए. दूसरा अगर वो दोनों का डिफरेंस 0 भी आता है दैट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7. आया समझ में? ओके इसको कर लेना. नेक्स्ट हम लोग 8 से लेते हैं. 8 देखो इसको मिटा दूं. ओके 8 का एग्जांपल ले लो. एग्जाम्पल मैंने ले लिया मान लो 2256. अभी 8 में क्या बोला है कि जब हम लोग का इसका लास्ट 3 डिजिट ठीक है ना 8 का कितना बड़ा नंबर भी है हम लोग को सिर्फ देखना है लास्ट 3 डिजिट. अगर ये लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होता है दैट मीन ये होल नंबर क्या हो जाएगा पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8. अगर 256 को हम लोग देखते हैं तो इसको डिवाइड करके देखो 8 से 8 थ्री 24 तो 8 2 6 ये डिविजिबल है दैट मीन 2 2 5 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 8 एग्जांपल दूसरे एग्जांपल ले लो 4 6 4 3 6 4 4 3 6 2 0 0 0. अगर मैं पूछूं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं तो हम लोग को देखना है कि लास्ट थ्री डिजिट इसमें क्या है 0 है 3 0 है और 3 0 डिवाइड होगा ही 8 से क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो उसका आंसर कितना निकलता है 0 ही निकलता है. मतलब दिस 3 आर डिविजिबल बाय 8 दैट मींस दिस होल नंबर आर डिविजिबल बाय 8. ओके 0 कोई भी नंबर 0 को अगर डिवाइड करता है तो वो उसका डिविजिबल होता है 0 पर क्योंकि तो उसका आंसर क्या आएगा 0 2 0 0 दैट मींस 0 गॉट इट. तो ये नंबर भी क्या होगा डिविजिबल बाय 8. तो समझ में आ गया लास्ट 3 डिजिट का देखना है अगर वो डिवाइड होता है तो हमारा वो नंबर क्या है 8 से डिवाइड होता है. तो इसको लिख लो आप लोग व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 3 digits of a number is divisible by 8, then the number is also divisible by ठीक है. और अगर ना लास्ट थ्री डिजिट और मोर डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 देन also it is divisible by 8. समझ में आ गया. यहाँ पे 3 और 3 से 8 ज्यादा भी हो सकता है
मीन क्या आएगा, 2 4 3 0 0 0 0 0। अगर हम इसको पूछे कि ये नंबर भी एक से डिविजिबल है, तो इसका लास्ट 3 डिजिट देखो, यहाँ पे 2 4 3 0 0 0 0 0, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 0 0 0। भले इसमें कितना भी जीरो, हम लोग लास्ट 3 डिजिट को ही देखते हैं, ये नंबर भी क्या है, डिविजिबल है हमारा एक से। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट 9 दो। नाइन में क्या बोला, कोई भी नंबर एग्जाम्पल लो, जैसे कि 9 3 6 8 1 9। अब ये बोला है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो हम लोगों को क्या देखना, ये जितना डिजिट दिए सबका सम अगर 9 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, दैट मीन दिस नंबर आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं, 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9। इसके लिए तो हम लोग एक 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 1 27, 27 प्लस 9 36, 36। और हम लोग जब देख रहा तो 36 इज डिविजिबल बाय 9, 9 4 36, दैट मीन दिस होल नंबर आर डिविजिबल बाय 9। आया समझ में? कोई भी नंबर हो, मान के चलो 5 8 6 4 2 3, हम लोग को चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड डिविजिबल है कि नहीं नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 3 28, इसका आया 28। अभी 9 1 9 में हम लोग का 28 नहीं आता, दैट मीन दिस नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 9। आया समझ में? सम ऑफ ऑल डिजिट, ओके, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए, तो ऐसा नंबर क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है। तो इसको लिख देता हूं मैं, डिविजिबल बाय 9, व्हेन द सम of all the digits of a number is divisible by 8, then, oh sorry, divisible by 9, then the number is also divisible by 9. When the sum of all the digits of a number is divisible by 9, then the number is also divisible by 9. ये हमारा divisibility हो जाएगा 9 का। Next आ जाओ 10। मिला तो? टेन का सिंपल है, टेन का क्या है, जब कोई भी नंबर का लास्ट में जीरो हो तो वो नंबर किससे होगा, हमारा 10 से डिविजिबल होगा। मीन्स 100 ये भी 10 से डिवाइड होगा, 1000, 10,000, ये सब क्या है, लास्ट में डिजिट में क्या है हमारा 10, इसका मतलब ये क्या है, 10 से डिविजिबल होगा। तो ये सिंपल है, ओके। मैं 11 का लिख देता हूँ, 10 का इजी है, 11 का, 11 में क्या बोल रहा है, देखो मान के चलो एक एग्जाम्पल ले लो, 2 8 6 5 4 2 3, यहाँ पे क्या बोला, जब हम लोग का ना यहाँ पे देखो, हाँ इसमें ना ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, ठीक है ना, ऑड प्लेस में क्या क्या देखो, ये कौन सा प्लेस है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 7 नंबर है। अभी ऑड प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है, 1 ये वाला है, देन ये वाला नंबर है 4 है हमारा, देन 6 है मेरा, देन 7 ये हमारा है, दैट मीन ऑड प्लस नंबर जो कौन कौन सा आ जाएगा, 2 8 सॉरी 2 6 देन 4 देन 3, ये सब हमारा नंबर कौन सा है, ऑड प्लस पे है, 2 7 पे है, 6 5 पे है, देन 4 हमारा 3 पे है, एंड 3 क्या है मेरा 1 पे है, और इवन प्लस पे कौन सा है, ये ऑड प्लस है, ऑड प्लस, ओके। नाउ इवन प्लेस,
इवन प्लेस पे कौन कौन सा है मेरा नंबर? टू ये वाला है इवन प्लेस पे, देन फाइव, देन एट, टू फाइव एट। देखो अभी क्या हो रहा है, इन चारों का सम और इनका सम, इन दोनों का सम करने के बाद इन चार का सम कितना हुआ? 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15। जब इन दोनों का डिफरेंस आइदर जीरो हो, समझो जब ये ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसका सम और इवन प्लेस पे जो नंबर है उसका सम, इन दोनों का सम आइदर जब अगर जीरो होता है या उसका जो आंसर निकलता है वो डिविजिबल बाय 11 से होता है, तो दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? देखो जैसे ये नंबर लिया 2865423, अब हमको देखना है कि यहाँ पे ये नंबर में ना ऑड प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है। ऑड प्लेस मतलब 1357 इस वाला, तो ये वन हो गया, लेफ्ट से काउंट करना है, लेफ्ट से राइट, ये राइट से लेफ्ट, ओके। देन थ्री हो गया, थ्री ऑड प्लेस पे है, देन फोर ऑड प्लेस पे है, देन मेरा सिक्स ऑड प्लेस पे एंड टू ऑड प्लेस पे, दैट मीन 2643। अभी हम ये सब का सम कर लिए, ओके। और क्या कर लिया? देन इवेंट का, इवेंट में कौन कौन से? टू देन फाइव देन एट, टू फाइव एट, ये सबका सम कर लिया। ये सबका सम करके कितना आएगा? फिर जितना आया दोनों का सम करने के बाद उसको अगर हमको माइनस करता है, वो माइनस करने के बाद अगर जीरो आता है या कोई नंबर आता है जो डिविजिबल बाय 11 से होता है, दैट मीन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आगे समझ में? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान ले चलो 5 6 4 3 2 1 3। देखो अब इसको करके देखते हैं, इसमें हमारा ना और प्लेस पे कौन कौन है? वन ये और प्लेस पे है, ये भी ऑड प्लेस पे, ये भी ऑड प्लेस पे, ये भी ऑड प्लेस पे, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे, तो 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है ना, क्या आ गया? 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा इसका? 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14 आ गया। 5 4 9, 9 2 11, 11 प्लस 3 14, ठीक है। अभी इवन प्लेस पे देखो, ये ऑड प्लेस पे, अब इवन प्लस भी करके मेरा 1 3 6, तो 1 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 4 प्लस 6 10। अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जीरो हो या नहीं, तो ये दोनों नंबर जो इवन प्लस पे या ऑड प्लस पे है, इन दोनों का सम अगर ये दोनों इक्वल है, क्या है? इक्वल है, तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 11 होगा। इसमें ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होने से डिफरेंस क्या आता है? जीरो आता है। अगर ये दोनों नंबर इक्वल होता तो दैट मीन हमारा ये होल नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 11। समझ में आ गया? तो इसको लिख लेते हैं एक बार। व्हेन द सम ऑफ डिजिट दैट ऑड एंड even places are equal or differ by a number divisible by 11, then the number is also दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इक्वल से डिफरेंस जीरो ही होगा। आइदर आप इक्वली बोलो, दोनों का सम ऑड प्लस और इवन प्लस, दोनों का अगर सम इक्वल होता है या डिफर होता है, दोनों का अगर डिफर करने के बाद माइनस करने के बाद हमारा नंबर ऐसा आता है जो डिविजिबल 11 से होता है, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब आ गया वो समझ में आप लोगों को, ओके। तो हम लोग को ना डिविजिबिलिटी रूल में मेनली 11 तक ही देखना है, क्योंकि एग्जाम में 11 से ज्यादा इतना नहीं पूछते, ठीक है। तो 11 तक का आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल बता दिए। नेक्स्ट अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैडम उसको
आप लोग होप समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं एक बार और से रिपीट कर दूंगा, अगर आप लोग का मैसेज आता है कि रिपीट कर दो बोल के, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलो कल मैंने आप लोगों को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताया था, उसका कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन है, अगर आ गया क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ नाइन एंड सिक्स इन 907 364, अगर ये क्वेश्चन आ गए, देखो फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6 इन दिस वन, ठीक है ना, दोनों का सम फेस वैल्यू, तो हम लोग को पता है कि फेस वैल्यू क्या होता है, मिरर इमेज होता है, जो नंबर का पूछे वही नंबर क्या होगा उसका फेस वैल्यू होगा, तो फेस वैल्यू ऑफ नाइन, फेस वैल्यू ऑफ नाइन क्या होगा, नाइन ही होगा, देन फेस वैल्यू ऑफ सिक्स, फेस वैल्यू ऑफ सिक्स, सिक्स का भी क्या होगा, सिक्स होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 15, तो आंसर इज हमारा क्या होगा 15, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ गया फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू, प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ एट इन 438 36, इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है आपको तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ एट इन दिस नंबर, अगर हम इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ एट, ओके प्लेस वैल्यू ऑफ एट, एट का प्लेस वैल्यू हम कैसे बताएगा आप लोगों को, एट इंटू एट के बाद कितना नंबर है, दो, दैट मीन 10 to the power 2, मतलब क्या हो जाएगा 800, 8 into 2 0, दैट मीन 100, 100, तो 800 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। ओके नेक्स्ट फेस वैल्यू ऑफ एट, फेस वैल्यू ऑफ एट क्या होगा, 8 ही होगा, दैट मीन आंसर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर 800 + 8 दोनों का सम कर दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 808, इस तरह से क्वेश्चन इस तरह का, समझ में आया, नेक्स्ट में आ रहा था टाइप्स ऑफ, हम लोग ने नंबर किया था उसकी गलती, अगर क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, अगर क्वेश्चन ये आ गया, इसमें हमारा क्वेश्चन में दे दिया नंबर ए 35, बी 53, सी 88, देन डी 90,
एंड ई नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अगर इसका क्वेश्चन करेंगे तो आंसर कौन सा होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर वन और वो खुद हो। तो देखो 35, 35 पता है हम लोग को, 5 7 35 होता है, तो उसका वन और वो इटसेल्फ है नहीं, दैट मीन ये नहीं होता। 53, 53 किसी का भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आता, तो दैट मीन 53 को आइदर हम इसको क्या कर सकते हैं, वन से करो तो वन, अगर 53 को वन से करता है तो वन से क्या होगा 53 होगा, देन 53 से 53 वन का 53, दैट मीन इसका फैक्टर क्या है, वन और 53 इटसेल्फ है, दैट मीन दीज आर प्राइम नंबर। 88 नहीं होगा, दीज आर ये भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 से भी होता है, तो दैट मीन 53 इज आवर आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेता हूँ अच्छे वाले। अगर क्वेश्चन में आ गया द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 40, लेस देन 40 इज, ऑप्शन में दे दिया आपको, ए में 15, बी इज 18, सी 17 एंड डी 12। तो इसका क्या होगा, क्या बोला है, द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 40 इज, 40 से जो लेस है और वो सब प्राइम नंबर, कितना प्राइम नंबर ऐसा जो 40 से लेस देन है। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, इसका देख लेस देन 40 हो रहा है, दैट मीन वन भी इंक्लूड होगा, वन देन थ्री देन फाइव देन सेवन देन एट नहीं होगा, नाइन नहीं होगा, इलेवन देन थर्टीन, फिफ्टीन भी नहीं होगा, सिक्सटीन भी नहीं होगा, सेवनटीन देन एटीन भी नहीं होगा, नाइनटीन देन ट्वेंटी भी नहीं होगा, ट्वेंटी वन भी नहीं, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री हो जाएगा, ट्वेंटी फोर भी नहीं होगा, ट्वेंटी फाइव भी नहीं होगा, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन हो जाएगा, देन 31 हो जाएगा, देन 32, 33, 34, 35, 37 हो जाएगा, देन 38, 39। कितना नंबर है हम लोग का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, that means answer is D। इसका देखो ये क्या हो रहा है, the number of all prime number less than 40, इसका दो मेथड होता है, एक मेथड तो हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है ना, दूसरा मेथड है arithmetic progress, arithmetic progress। एक होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में केपी, और ये हम लोग का एक नया चैप्टर है, ये चैप्टर को समझने के लिए आपको हमको दो क्लास देना पड़ेगा, तभी मैं इस चैप्टर को आपको समझा पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मेथड हम लोग बाद में देख लेगा, अभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 40 से लेस देन कितना प्राइम नंबर है, तो हम लोग इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। ओके तो ये कल जो किया था उसके ऊपर क्वेश्चन मिलोंगे, कल जो जो मैंने समझाया था। नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो अगर क्वेश्चन आया है 2/3 इज ए रेशनल नंबर, 2/3 is a rational number, whereas √2/√3 is, option भी दे दिया, also rational number, दूसरा में आ गया irrational number, and irrational number सी में आ गया नॉट ए नंबर, और अगर डी में दे दिया आपको ए नेचुरल
पीरियडिक नंबर। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि 2/3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, मगर √2/√3 इज क्या नंबर होगा, रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर, नॉट ए नंबर और एक नेचुरल नंबर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रेशनल नंबर तो है नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि √2, देखो मैंने क्या बताया था, जो रूट के अंदर रहता नंबर दैट आर इरेशनल नंबर। जो रूट का अंदर रह के भी बाहर आ जाता है लाइक √(25), तो ये क्या है हमारा, रेशनल नंबर। समझो जो रूट का अंदर ही फंसा रहता है ना, वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल। ओके, इरेशनल नंबर। लेकिन जो रूट में रह के भी रूट से बाहर आ जाता है, कैसे रूट से बाहर आएगा, तो कल मैंने बताया था आपको √25, दैट मीन 5 × 5, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब पेयर कैसा होगा, दो का होगा। जब जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से क्या होता है, बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट का। तो हम लोग यहाँ पे देख रहा, 2 का कोई पेयर नहीं है, दैट मीन √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 का भी कोई पेयर नहीं तो 3 इरेशनल नंबर है, और √3 का भी कोई पेयर नहीं तो 3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। दैट मीन √2/√3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलो हम लोग कल फिर करते हैं, कल कुछ क्वेश्चन आगे इससे एडवांस पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, आप लोगों को नोट्स नोट्स मिल जाएगा, जितना मैंने आपको बेसिक बताया है, जो भी मैंने लिखा है आपको बताया है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता, तो आपको मैं सबका नोट्स आपको सेंड कर दूंगा विद डेफिनेशंस। ओके, एनीथिंग? तो आज के लिए ये रहने देते हैं। गुड नाइट एवरीवन, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी नोट्स होगा मैं आप लोगों को सेव कर लूंगा। कुछ भी डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग मेरा नंबर ले लो, आई विल सेंड इन मैसेज 96, दिस आर माय नंबर। अगर इस पे आप, अगर कुछ भी हो आप लोगों को प्रॉब्लम, तो आप लोग इस पे हमको फोन करके पूछ सकते हो कि सर ये क्या होता है, या इसका नोट्स कब तक मिलेगा। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी आप लोगों को इस सब का नोट्स देता।